जी अस्सलाम वालेकुम डेली व्लॉग विद शान में वेलकम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। जामी भाई का चैनल देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आज की वीडियो है जी कोरियर के मतलब, जो कोरियर का काम करना चाहते हैं अपनी गाड़ी के ऊपर या फिर सैलरी पे काम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए वीडियो है। और बड़ी अच्छी सैलरी के साथ बड़ी अच्छी जॉब आई है। आपको पता है कि यूएई के अंदर डिफरेंट कंपनीज काम कर रही हैं कोरियर की, उन्हीं में से एक ये कंपनी है और कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी वो भी बताऊंगा। और इसमें देखिए एक और मेन बेनिफिट आपको मिलने वाला है, इसमें आपको जो कंपनी वीज़ा प्रोवाइड करने वाली, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि थोड़ा सा आपको काम के मतलब समझा दूँ, जो लोग नए इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है अपना 3 नंबर, ठीक है। इसमें देखें मैनुअल और ऑटो दोनों चलते हैं, और जिनके पास दोनों लाइसेंस मौजूद हैं ऑटो या मैनुअल, ठीक है, 3 नंबर, तो वो लोग इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके पास क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। तो इसमें देखें सबसे पहले जो आपके पास अपना ओन वीज़ा होना चाहिए, ठीक है। ओन वीज़ा अगर आपके पास अपना मौजूद है और लाइसेंस वैलिड है, वीज़ा वैलिड है, तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लाइसेंस आ जाता है वो भी वैलिड होना चाहिए, वो चाहे मैनुअल है चाहे ऑटो है, ठीक है। तो इसमें एक कंपनी जो एक्सपीरियंस मांग रही है वो 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आप अगर नए हैं तो मेरा आपसे यही है कि आप फिर भी अप्लाई करें, ठीक है। एक बार कंपनी में जाएं, उन्हें बताएं कि सर लाइसेंस मेरा न्यू है लेकिन काम करने का मुझे शौक़ है, ठीक है जी। तो आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि काम मिलेगा। मोस्टली कंपनियाँ क्या होता है कि रख लेती हैं बंदे को, तो आप एक बार लाजम जाएँ इस कंपनी में अगर आप काम करना चाहते हैं कोरियर का। और इसमें बड़े अच्छे अच्छे आगे यानी कि पैसे बनते हैं, डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, ठीक है। अगर आप ज़्यादा अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो अच्छे पैसे बना सकते हैं इस काम के अंदर। ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है कि इसमें बड़े अच्छे पैसे बनते हैं। ये यानी कि मैंने कुछ वीडियो पहले डाली है कोरियर के मतलब कि अपनी ओन कार के ऊपर आप कैसे पैसे सेव कर सकते हैं और कैसे ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता और जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उनके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं और स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ें समझाई हैं कि आप कैसे फ्यूल बचा सकते हैं, ठीक है। मेन चीज़ें इसमें होता है कि अपने फ्यूल सेविंग कैसे करना अपना। और इसमें देखें कंपनी जो बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर रही है वो कंपनी आपको सबसे पहले जो गाड़ी देगी, ठीक है, गाड़ी आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। इसके बाद जो आ जाता है इसके अंदर वीज़ा भी कंपनी आपको दे रही है आफ्टर थ्री मंथ तक अगर आप कंपनी के साथ अटैच रहते हैं तो कंपनी आपको वीज़ा ऑफ़र करेगी, ठीक है। वीज़े की मज़ीद मालूमात के लिए मैं नीचे नंबर शो कर रहा हूँ और नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, इस नंबर के ऊपर आप रब्ता करें। ये यहाँ पर आपको वीज़े के मुतालिक भी बता देंगे और इसके अलावा लोकेशन वगैरह भी आपको बता देंगे जहाँ पर आपका इंटरव्यू है। तो इसमें एक और चीज़ है कि यानी कि 6 डे वर्क है, 1 डे छुट्टी है, ठीक है जी। इसके अलावा एरिया जो होता है ना कोरियर के काम के अंदर, पूरा यूएई नहीं होता या पूरा दुबई नहीं होता कि आपको कोरियर पकड़ा दें 10, 15, 20, 40 और आपको ये बोलेंगे जी पूरा दुबई आपने करना है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर देखें एक रेंज होती है कि आपने अगर 10 किलोमीटर का एरिया, 8 किलोमीटर का एरिया, उस एरिया के अंदर अंदर ही आपने रहना होता है। तो मोस्टली क्या सीन होता है कि 20-25 अगर आपको कोरियर मिलते हैं तो ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स वाले हो गए या जो अपार्टमेंट वाले हो गए उनका ज़रा इजी होता है, बिल्डिंग के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर ही 3-4 कोरियर निकलें तो आपका जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। रही बात दूसरी, जो हाउस वगैरह या फिर दूसरे घर होते हैं जो सोसाइटी वगैरह हो गए जिनके अंदर विले बने होते हैं, तो उनका ज़रा थोड़ा सीन और होता है कि वो आपको हर घर के आगे जाना पड़ता है अपना कोरियर देने के लिए। लेकिन बिल्डिंग वाला जो एरिया होता है उसके अंदर ये होता है कि एक बिल्डिंग के अंदर ही आप 4, 5, 2, 3 कोरियर आराम से दे सकते हैं, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कि आप पैसे कैसे सेव कर सकते हैं इसके अंदर, फ्यूल कैसे सेव कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ी सी हिंट यानी कि थोड़ी सी आपको मालूमात दे देता हूँ, बाकी उस वीडियो के अंदर मज़ीद मालूमात है जो पुरानी मैंने डाली है। इसके अलावा अगर कुछ मालूमात आपको चाहिए हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये नीचे इंस्टाग्राम की आईडी है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो फ्यूल सेव आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग के अंदर अगर 4-5 कोरियर निकल आते हैं तो गाड़ी आप वहाँ खड़ी करें, अगर उसके साथ वाली बिल्डिंग का भी ऑर्डर है तो गाड़ी आप एक जगह पर पार्क कर दें, ठीक है। सेफ़ जगह, सेफ़ जगह से मुराद ये है कि जहाँ पर यानी कि पार्किंग फ्री हो और कोई टकड़ छकड़ वाला सीन ना हो, ठीक है। ऐसी जगह आपने तलाश करनी है, वहाँ पर गाड़ी सेफ करनी है अपनी सबसे पहले।
और उसके बाद वहाँ से यानी कि आप अपनी गाड़ी में कोई बैग रखें जिसके अंदर आपने कूरियर डालने होते हैं। मैं ये पिक्चर शो कर रहा हूँ, इसके अंदर देखें बैग है। इस तरह के बैग आपको नॉर्मली दुबई के अंदर मिल जाएंगे, तो ये बैग बड़ा ही यानी कि मज़बूत बैग और अच्छा बैग है। ये मैं आपको आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं कैसे काम करता हूँ, ठीक है। तो इस बैग के अंदर आप चार पांच अपने पार्सल डाल सकते हैं, दो तीन हाथ में पकड़ के, तो आप इजीली दो तीन बिल्डिंग को आराम से यानी कि अपना क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद गाड़ी वहाँ से निकालें, फिर आगे चौथी बिल्डिंग के आगे खड़ी करें। इससे देखें एक तो आपकी गाड़ी का जो फ्यूल है वो सेफ़ हो रहा है, बार बार आप सलफ़ नहीं मार रहे गाड़ी का, और बैटरी नहीं ख़राब होती, और फ्यूल भी आपका सेफ़ रहता है। तो इस तरह यानी कि फ्यूल सेविंग चलती है। बाकी एक और मेथड भी है कि रात के टाइम या जब आपकी शिफ्ट ख़त्म होती है तो जो सामान आपका बच जाता है यानी कि दो दो पार्सल चार पार्सल, तो वो आपने क्या करना है, आपने एरिया के अंदर जो भी आपके मजीद और फ्रेंड वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो कंपनी आपके काम बंदे वहाँ पर कर रहे हैं, उनके साथ आप लिंक बनाएं अच्छा एक, और उन्हें आप बताएं कि यार एक दिन आप मेरा यानी कि पार्सल जो वो ले जाओ मेरा, और अगले दिन मैं आपके ले जाऊँगा, वहाँ पर जाके जमा करवा दो। पैसे आप खुद जमा करवाएं या उसको दें वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये एक तरीका ये भी है जिससे आपका फ्यूल सेफ हो सकता है, क्योंकि आप देखें अब बिलफर्ज आप डाउनटाउन में काम कर रहे हैं और आपने वेयर हाउस आपका है वो DIP में है, तो जब डाउनटाउन में आपने काम ख़त्म कर लिया, जो आपका दूसरा साथी है वो यानी कि उस साइड पे जा रहा है, तो आप उसको उसको पार्सल दे सकते हैं कि ये पार्सल उस साइड पे लेके जाओ और वेयर हाउस में जमा करवा दो, ठीक है, DIP में। तो इससे ये है कि आपका जो आने जाने का फ्यूल है वो भी सेफ़ हो गया। आप रहते डेरा में है यूनियन पे, तो आपने देखे डाउनटाउन से काम ख़त्म किया और यूनियन में चले गए और बजाय कि आप DIP गए, तो नेक्स्ट डे आप इस तरह यानी कि उसकी हेल्प आप करें, और इस तरह यानी कि स्टेप बाय स्टेप यानी कि आप काम करें, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो आपका फ्यूल ज़्यादा सेफ़ हो सकता है और आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो जॉब आई है ये बेसिक सैलरी जॉब है, इसके अंदर 3,000 दिरहम सैलरी है, और कंपनी आपको वीज़ा प्रोवाइड कर रही है आफ्टर 3 मंथ, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ वो आपकी यानी कि सारा यानी कि मैटर चेक करेंगे और सारी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, उसके बाद आपको वीज़ा ऑफ़र करेंगे। तो तमाम चीज़ें मैंने बता दी हैं, कुछ ना समझ आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा मज़ीद आगे जॉब्स आ रही हैं, और अभी इसके अलावा Noon.com की जॉब्स आ रही हैं, अमेज़ोन की भी जॉब्स हायरिंग चल रही है, जिनमें मोस्टली इंडियंस की हायरिंग चल रही है। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर इंशाल्लाह आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है जी। वीज़ा लगने में कोई 2-4 दिन 5 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जब वीज़ा आपका प्रोसेस होता है तो उसमें टाइम लग सकता है। ये सारा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, कोई मेरा अपनी तरफ से नहीं है, मैंने भी आगे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं, तो तमाम चीज़ों में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स मेरे तक पहुँचेंगे, तमाम चीज़ें पहुँचेंगी इंशाल्लाह, वैसे हम अप्लाई करेंगे और आपको उसका आंसर अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है जी। तो अभी के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।